धनबाद जिले के अंगरपथरा में गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी मथुरा महतो चुनावी जनसंपर्क अभियान समर्थकों के साथ किया। राजद नेता रोहित यादव के घर पहुंचे राजद नेता ने मथुरा महतो का स्वागत किया, साथ ही भरपूर समर्थन देने का आश्वासन दिया। राजद नेता ने अपने पार्टी समर्थकों को बागमारा विधानसभा के हर क्षेत्र में जेएमएम प्रत्याशी के लिए लोगों से जनसंपर्क और चुनाव के दिन हर बूथ में अधिक से अधिक मतदान कराने का निर्देश दिया। वहीं जेएमएम प्रत्याशी मथुरा महतो ने कहा कि महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। 13 मई को कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी का चुनावी सभा होना है, इसे लेकर सहमति मिल गई है। स्थान का चयन अभी नहीं हो पाया है। बागमारा विधानसभा क्षेत्र में ही प्रियंका गांधी का चुनावी सभा किया जाएगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी चुनावी सभा में शामिल होंगे। मुराईडी, कतरास, बचगढ़ी सारे क्षेत्रों से सैनी जी से आप लोग आए हुए हैं और आप लोग यही काम करेंगे कि प्रतिदिन जितना हो सके अधिक से अधिक इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय श्री मथुरा महतो जी के लिए अधिक से अधिक हर बूथ पर हम लोग को 1-4 का अंतर आना चाहिए। हम आप लोगों से आशा रखते हैं और उपेक्षा रखते हैं। देखिए आज हम लोग जनसंपर्क है, कोई सभा हुआ है नहीं, लेकिन हम लोग जनसंपर्क के माध्यम से हम लोग अंगारपथरा आए हैं और घंटू त्रिगुनायत के निवास स्थान पर हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम लोग सारे गठबंधन के कांग्रेस आरजेडी एन पार्टी के भी सहयोगी दल हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग यही 6 तारीख को बोकारो में नामांकन करेंगे, उसी का तैयारी है। देखिए 13 मई को हम लोग निर्णय नहीं हुआ है कि कहाँ होगा, इस पर बैठ के हम लोग तय करेंगे कि कहाँ पर प्रियंका गांधी का प्रोग्राम हम लोग को मिल चुका है। 13 मई स्थान हम लोग नहीं दिए, जहाँ स्थान देंगे वहाँ होगा, लेकिन हम लोग हमारा विधानसभा के अंदर ही वो कार्यक्रम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री सहित सुबह के अन्य मंत्री भी गठबंधन के लोग पहुँचेंगे, कल्पना सोरेन जी आएंगे। देखिए चुनाव है और चुनाव बराबर संघर्ष का ये मामला बनता है और लड़ाई है जनता के बीच। हम लोग जा रहे हैं, जनता के इस बार का जो लोग त्रस्त हैं इस जुमलेबाजी सरकार से, तानाशाह सरकार से, महंगाई चरम पर है, इसलिए इनके विरोध में इंडिया गठबंधन को वोट देने का मन जनता बनाया है और उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन इस बार बहुमत के साथ यहाँ झारखंड में 14 सीट पर अपना परचम लहराएगा।